और आफ्ताब के साथ पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है। निश्चित रूप से 2025 में इसका परिणाम आपके सामने आएगा। ये जनबल जब खड़ा हो जाता है उसके सामने सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। ये जन जब बल का रूप अख्तियार करेगा, ताकत के रूप में आएगा, तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। आज इस सभा में देखा गया है कि बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे युवा हैं जो इस पार्टी से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ऐसा मूवमेंट हमें कमी दिखाई देने को मिलता है। लेकिन क्या इसमें युवाओं की भागीदारी काफी शानदार लग रही है, क्या कहेंगे? ये युवा के लिए है, ये युवा मोटरसाइकिल से पीछे पीछे घूमे नहीं बल्कि कंधा से कंधा मिला कर चले। वो जिस लायक है उसको भागीदारी देंगे। वार्ड लड़ना चाहता है वार्ड लड़ेगा, बीडीसी लड़ना चाहता है बीडीसी लड़ेगा, जिला पार्षद लड़ना चाहता है जिला पार्षद लड़ेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा। व्यवस्था मुझे बदलना है, व्यवस्था हम नीचे से बदल सकते हैं। हम सत्ता पर बैठकर व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। हम व्यवस्था को बदल कर जब सत्ता में जाएंगे तो हम नया बिहार देंगे और नए बिहार की कामना करेंगे। लोकसभा, अंतिम सवाल, लोकसभा को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या? सिवान की लोकसभा की सीट आप जन सुराज लड़ेगा? पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं, पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम कितने सीट पर लड़ेंगे? प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि कोई राजनीतिक दल नहीं है, अब राजनीतिक दल हो गया क्या? दल अभी बना नहीं है, तो बिना दल का कैसे रहना? आजाद उम्मीदवार आपको खड़ा कर देंगे, आप चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र के रक्षक हैं। अगर आपके अंदर मेरिट होगा, आपके अंदर क्षमता होगा, तो जनता आपको अपना सिलेक्ट कर लेगी, आपको जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको पेश कर दिया जाएगा। ये एक जैसे मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में लड़ा और प्रशांत किशोर ने मुझे सहयोग किया और सहयोग के बुनियाद पर उस सदन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कोई उम्मीदवार है सिवान में आपकी पार्टी की, मतलब आपके दल से? अभी तक आवेदन हम लोगों ने लिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। हर जगहों से उम्मीदवार होंगे, निश्चित होंगे, कई सीट पर मुझे लड़ना। साहब एक छोटी सी रोशनी आज एक मसाल बन गई है, आप ना चाहते हुए भी राजनीतिक पार्टी की राह पर हैं, क्या कहेंगे इस तरह के बदलाव को लेके? सर यह सिलसिला है प्यार का चलता रहेगा, मैं अभी क्या बताऊं, ये तो आगाज ऐसा है कि यह पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति था नहीं, मैं तो शिक्षक था, लेकिन यह प्रशांत किशोर ने मत कर निकाल लिया और कहा कि बिहार की व्यवस्था बदलनी है, आप किसान के लड़के हैं, छोटे किसान के लड़के हैं, आप मेरा कंधा से कंधा मिलाइए ताकि हम बिहार की व्यवस्था को बदलें और बिहार में नोचने वाले लोगों को साइड किया जाए, समाज को कुछ प्रदान करने वाले लोग जो हैं उनको सत्ता में लाया जाए, उनको राजनीति में लाया जाए। इसी परिकल्पना के तहत प्रशांत जी ने मुझे लाया था और लाकर खड़ा किया और एक गरीब किसान के लड़के को हाथ पकड़कर उस सदन का अंदर भेजा, ये साबित किया। बिहार में दिन ब दिन अपराध चरम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कि अपराध के मुद्दे ये नहीं है, आज अपराध होता रहता है, कभी कम हुआ है कभी कम ज्यादा हुआ है। ये अपराध साहब एक सवाल और बनता है जी, एक साल पहले शुरू हुई पार्टी आज इस स्तर पर है, बहुत सारे तमाम दलों के लोग, बागी लोग भी इसमें हैं, कैसे आप इनको समेटेंगे, कैसे आप? हम एक क्योंकि खुद एक एक, एक शेर है कि राह के पत्थर उसे बढ़ने नहीं देते जो सफर सूरत दरिया नहीं करते, हम मिल बैठ के सुलझा लेते हैं अपने मसाइल, दाना सारे राह तमाशा है। लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग EVM को हैक कर लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा जो सूत्रधार है वो पैदल लगातार 14 महीनों से चल रहा है। क्या गांधी के बाद कोई ऐसा महामानव आया था क्या बिहार में कि चलकर पार्टी खड़ा किया हो? चलिए बेमानी हो रही है, आपको नहीं लगता कि गांधी के समानांतर आपने प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया? बिल्कुल, ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। मैं ये कहता कि यह गांधी 12 अप्रैल 1917 को चंपारण के धरती पर आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसानों के फेवर में, अरे कौन ऐसी परिस्थिति आई 2022 में कि प्रशांत किशोर आते हैं और इन ये आज के जो अंग्रेज हैं इनसे लड़ने के लिए चंपारण से अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं और ये एक इनकलाब बनता जा रहा है, एक बिल्कुल लग रहा है कि एक तूफान है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो महामानव के रूप में है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र है, वो आदमी कुछ सोच कर आया है और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आया है बल्कि लड़कर चुनाव जीतने के लिए आया है। चुनाव इसलिए जीतेगा कि बिहार की व्यवस्था को बदलकर सत्ता पर स्थापित होगा और भ्रष्टाचार को दूर करेगा।
नौजवान जो बाहर में कमा रहे हैं उनको वापस लाएगा। स्वास्थ्य के लिए हम दिल्ली में जा रहे हैं, हमें वह पटना में मिलेगा। बच्चे हमारे पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को इस बिहार के नगरी में हम स्थापित करके एक नया बिहार बनाएंगे। बिहार की नेत्री हिना साहब हैं और हर इंसान का मंशा होता है कि अपने पार्टी में लेकर आया जाए, तो आप लोग का मंशा नहीं रहा कि हिना साहब को इस पार्टी में लाया जाए और इस पार्टी के माध्यम से उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनका जो आज अस्तित्व है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अलग है। बताइए आज कौन चीज़ के आयोजन हो रहा बा जो में उपस्थित हुआ? कार्य समिति का बैठक है, जिला कार्य समिति का बैठक है जो स्वराज का। इस बैठक को हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल मैटर विचार विमर्श होता है कि प्रखंड से लेकर पंचायत जिला तक कैसे पार्टी के समर्थन मजबूत किया जाए, इसी उद्देश्य में बैठक। परिचय बता दी, इंतखाब हम अध्यक्ष। कौन कौन लोग मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं? अभी फिलहाल आफाक साहब MLC हैं, आफाक अहमद साहब MLC हैं, आए हुए हैं।